पे तो निर्मम तरीके से हत्या की गई है पेड़ों की, अपनी सुविधा के लिए वो सारे पौधे काट रहे हैं। जो पौधे लगे हैं उनको क्यों काटा जा रहा है? हमारे सब बच्चों ने उसको पानी की बोतलों से अपने स्कूल की बोतलें ला ला के इनको सींचा था। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आज जो इस वर्ज पे सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं वो हमारी पिछले 6 साल की मेहनत है। जब उस समय कोई भी बिल्डर नहीं आता था कुछ भी करने के लिए, ना मकान बनाने के लिए, ना कुछ हेल्प करने के लिए, ना रोड बनाने के लिए, आज जब वो हरियाली बन गई है और आज हम शुद्ध सांस ले पा रहे हैं तो ये बिल्डर फिर से आ रहे हैं और अपनी सुविधा के लिए वो सारे पौधे काट रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत है। हम तो चाहते हैं कि वो यहाँ पे इससे 4 गुना पौधे दोबारा लगाए और जो सारा कंस्ट्रक्शन उसने किया है उसको भी उसके साथ में कवर करें। 2017 से छोटे छोटे पौधे करके इसको इस लेवल तक लाए कि थोड़ा सा हरियाली यहाँ दिखना शुरू हुआ है, ठीक है। और कोई भी आए, बिल्डर आए या कोई आए, उसको एकदम से कट के ऐसा कर दे कि मतलब वो पता लगा फिर उतनी मेहनत तो दोबारा 7 साल हमको लग जाए, ठीक है ना। और उसके बाद बोले कि हम इधर पौधे लगा देंगे, ये क्या मतलब है? जो पौधे लगे हैं उनको क्यों काटा जा रहा है? मेन मुद्दा ये है कि भाई पौधे लग के बड़े होने में 7 साल 8 साल लग जाता है, आप उसको काट के बोलो, कोई बोल दे कि मेरे को पौधे दोबारा लगा देंगे तो ये कोई बात थोड़ा ना हुई, किसी को मार दो बोले दूसरा बच्चा पैदा कर देंगे। ये एकदम गलत एटीट्यूड है, इसके पूरी तरह से हम लोग निंदा करते हैं और जो उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए ये मांग करते हैं प्रशासन से भी। पर्यावरण की वजह से जो सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है आगामी पीढ़ी को आने वाली है ना, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ही काम करना पड़ेगा। अगर कोई हम लोगों को ये गारंटी दे दे कि भाई ये पेड़ कटने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी और आगामी जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तो आप सारे पेड़ काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी गारंटी कौन देगा? उसके लिए सरकार और बाकी जो बिल्डर्स हैं उन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए जो भी ठोस कदम उठाए जाए, मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि ठोस कदम पूरे उठाए जाए और जो भी इसका कल्प्रिट है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोई आदमी एक भी पेड़ काटता है विदाउट टेकिंग प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी ही कांट डू, और इस केस में तो इन्होंने पूरा ठूंठ बना दिया। अभी जो समय है सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, इस महीने में कोई भी प्लांट को जीवित रखना बहुत मुश्किल काम होता है, आपने उसके सारे लीफ काट दिए और ये एक घोर अपराध है। और इसमें सबसे पहले पुलिस की भूमिका है, हमारी पुलिस सो रही है, आकर पैसा वसूलती है खाली, ये कुछ नहीं कर रहा है। सबसे पहले उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए था, उनका बीट ऑफिसर होता है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले उसका काम था कि पता करे कि किसने काटा, कैसे काटा, क्यों काटा, और उसको तुरंत पनिशमेंट करना चाहिए। दे हैड नॉट डन, और ये गुलशन बिल्डर करे, कोई भी करे, हम भी अगर करें तो गलत है, क्योंकि हमारी वाइफ खुद लंग से पीड़ित है और मैं जानता हूँ एक प्लांट का कितना वैल्यू है, कितना ऑक्सीजन देता है आपको, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को असिमिलेट करता है और ऑक्सीजन देता है। फिर आपका डस्ट जितनी पार्टिकल्स हैं सारे लीव्स सोखते हैं, आपने लीव्स को काट दिया, उसी लीव्स के सरफेस पर अपर और नीचे साइड में वो सारे आपके जो डस्ट है चिपक जाते हैं और वो आपका पॉल्यूशन कम करते हैं। इसने घोर अपराध कर रखा है। परेशानी है कि साहब ये 7:30 से 8 बजे से शुरू होकर के इनका खटपट का कार्यक्रम, कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम रात को 12 बजे तक चलता है। बच्चे जो है पढ़ने जो तैयारी कर रहे हैं नीट की या अपने दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम्स की, उनको पढ़ने के लिए सवेरे 8 बजे से और शाम रात को 12 बजे तक अगर ठक ठक होगी तो उनको भयंकर ध्वनि प्रदूषण होता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो रही है जी। इनकी शिकायत प्राधिकरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने भी की गई है, उस पर हमने RTI लगा के जवाब भी मांगा है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस है, उसका उल्लंघन करके आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आपको यहीं से दिखेगा पीछे जहां पे भी इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना कोई मटेरियल ढका हुआ है, गाड़ियाँ जो निकलती हैं आइडियली उसके लिए पिट होना चाहिए, वो धुल के निकलनी चाहिए कि रोड ख़राब ना हो, वो नहीं है। मिस्ट लगा हुआ है, देखिए चल नहीं रहा है, जबकि आसपास इतना धूल उड़ रहा है और वो भी रोड साइड जहाँ पे लोग रहते हैं पीछे, वहाँ कोई मिस्ट मशीन नहीं है, सीधा धूल लोगों के फ्लैट के अंदर जा रहा है और PM 2.5 और 10 मिलके फेफड़ों को ख़राब कर रहा है। कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर हम लोगों को ये लगा कि अथॉरिटी ने काटा है, हमने ये इसका विरोध अथॉरिटी को जताया कि अथॉरिटी ने इतना निर्मम तरीके से कैसे इसकी छटाई कर दी। अथॉरिटी को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने बोला कि हमें मालूम ही नहीं कि किसने काटा है, हमने नहीं काटा है। तो मैंने कहा कि ये किसने काटा है, आप तुरंत आके इसको चेक करिए। तो वो जब वो ग्रुप के थ्रू जब उनको जानकारी पहुंची, वो आए अधिकारीगण आए यहाँ पर, उन्होंने ये जांच को एक्सेप्ट किया कि इसमें 7 से 8 पेड़ ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल गलत तरीके से काटा गया है
वो अगेंस्ट लॉ है और उन्होंने एक लेटर इशू किया हुआ है अथॉरिटी ने क्या नाम है अपने वन विभाग को कि वो लेटर है मेरे पास और वो उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये उनमें जो धाराएं लिखी हुई हैं कि इन धाराओं का उल्लंघन हुआ है जो पेड़ों की छटाई की गई है, अतः इस पे तुरंत और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे 5-5, 4-4 साल के बच्चों ने यहाँ पे पेड़ लगाए थे पर्यावरण को अच्छा ग्रीनरी करने के लिए, ग्रेटर नोएडा, नोएडा में सब पूरा हरियाली बनाए रखने के लिए। आज सारे के सारे पेड़ गुलशन बिल्डर ने अपनी केवल पैसों की कमाई के लिए सारे पेड़ काट दिए हैं। आप देख रहे होंगे कितने 40-50-60 पेड़ कटे पड़े हैं, बिल्कुल नंगा कर दिया उन पेड़ों को, कोई छाया नहीं देगा आज के बाद इनको। लेकिन हमारे सब बच्चों ने उसको पानी की बोतलों से, अपने स्कूल की बोतलें ला ला के इनको सींचा था, सब उसको नष्ट करके छोड़ दिया है बिल्कुल। हमारी मांग ये है कि नोएडा अथॉरिटी वाले इस पर कार्रवाई करें और आश्वासन दें कम से कम 10-20 गुना पेड़ वापस से लगा के यहाँ पे अच्छा एक ग्रीनरी दोबारा से वापस लाएंगे। आज हम लोगों ने गुलशन बिल्डर के खिलाफ धरने पे आए हैं। इन्होंने पुराने पेड़ जो लगाए गए थे 5-7 साल से उसको सींच रहे थे हम लोग, जिसको बड़ा किया था उसको एक दिन में इन्होंने काट के छोड़ दिया है। इन्होंने इतना बड़ा नुकसान पर्यावरण का किया है कि उसको नुकसान को भरपाई के लिए सालों साल लगेंगे। उन्होंने अपनी सोसाइटी के सामने सुंदरता रखने के लिए उन्होंने दूसरी सोसाइटी को पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण हम लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं और उनके खिलाफ अथॉरिटी से अनुरोध कर रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पर्यावरण का नुकसान एक आदमी का नहीं है, हजारों लोगों का नुकसान है। जिसको 7-8 साल लगे पेड़ों को बड़े होने को, उसने एक दिन के अंदर काट करके एकदम नरमुंड की तरह बना दिया है।